हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो टीकू व शेरू मूवी कल आने थी, यानी न्यूज़ यही थी आज रात 12 बजे बाद इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों, इसके मेकर ने इस फिल्म को इसके टाइम से लगभग 2-2.5 घंटे पहले रिलीज कर दिया। और इस फिल्म को दोस्तों अमेजन प्राइम रिलीज किया गया है, जहाँ पर भी मैंने इस फिल्म को देखा है। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा इस फिल्म के साथ, वो मैं आपका आज किस वीडियो में बताऊंगा कि हमें इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं, फिल्म में क्या कुछ अच्छा है या सारी फिल्म ही बेकार है। देखो, ये फिल्म देखी नहीं है तो अगर नवाजुद्दीन जिस सिद्दीकी के फैन हो, इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो नेचुरल से ऊपर है। अब मैं बात करता हूँ फिल्म की कहानी पर। भाई, मैंने इस फिल्म को देखा सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए। यहाँ पर क्या, ये मुंबई में एक छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते हैं कि भाई मैं तुरुम खाऊँ। बस इनकी शादी हो जाती है, यानी जो हमारी फिल्म की हीरोइन है टीकू, उनसे उसका सपना है मैं मुंबई में जाकर बहुत बड़ी हीरोइन बनूँ। इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जो आप ट्रेलर में देख सकते हो, यानी कि शादी हो जाती है, बाद में वो भाग जाती है। अब उसके लाइफ में आगे क्या कुछ होगा, इस अधूरी प्रेम कहानी की क्या एंडिंग, वही फिल्म की बेसिक कहानी। दोस्तों, इस फिल्म में अच्छा कुछ नहीं है, ना तो मुझे स्क्रीन प्ले पसंद आया, ना ही मुझे इसकी सिनेमाग्राफी पसंद आई। मुझे पसंद सिर्फ एक ही आया, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, यानी उनकी सुपर से ऊपर एक्टिंग। फिल्म बाकी मुझे एवरेज लगी, इतनी फिल्म को मुझे एंजॉयमेंट नहीं करी, यानी बेसिकली रूटीन बॉयल मूवी है, ज्यादा कुछ आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए मेरा छोटा सा रिव्यू था जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर सकते हो। हर मूवी रिव्यूज के लिए आप मेरे चैनल साथ जुड़ सकते हो, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है वीडियो फ्रेंड्स ऐसी एक और मूवी का रिव्यू लेकर।